गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम यूनिट्स। ओके, यूनिट्स फॉर लेंथ, यूनिट्स फॉर मास, यूनिट्स फॉर कैपेसिटी। आप कभी भी मार्केट जाते हो तो आपको, जब आपको सामान लेना होता है तो आप किस में मेज़र होता है, वो या तो ग्राम में होता है या किलोग्राम में होता है, और अगर हमें कुछ लिक्विड फॉर्म में लेना होता है तो वो किस में होता है, लीटर और मिलीलीटर। ओके, तो यही सब हमारी यूनिट है। जैसे कि हम कहीं घूमने भी जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, मीटर, किलोमीटर, डिस्टेंस आपने देखा ही होगा, ठीक है। माइल्स होते हैं ना, उस पर लिखा हुआ होता है इतना किलोमीटर है डिस्टेंस आपका, ठीक है। तो वही कुछ यूनिट्स हैं उसी के भी उस पर, तो वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका है 1 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं आपके, 1000 ग्राम। 1 लीटर मींस 1000 मिलीलीटर्स। ओके, मिलीलीटर आपका छोटी डिजिट है और लीटर आपका बड़ा डिजिट, बड़ा है, बड़ी यूनिट है, और मिलीलीटर आपकी छोटी यूनिट है। अब है आपका यूनिट्स फॉर लेंथ, मतलब हम अगर हमें लेंथ मेज़र करनी है तो उसके लिए हमें कौन कौन सी यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि 10 मिलीमीटर्स हैं। अब 10 मिलीमीटर्स में मींस क्या होता है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं आपके, 10। 1 डेसीमीटर में कितने मीटर सेंटीमीटर होते हैं आपके, 10। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10। 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, 10। 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, 10। इसी तरह से 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1000 मीटर, ठीक है। अब है यूनिट्स ऑफ ऑफ मास। मास मीन्स भार, द्रव्यमान, ठीक है। तो 1 सेंटीग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 10। 10 सेंटीग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं, 1। इसी तरह से 1 ग्राम में डेसीग्राम कितने होते हैं आपके, 10। 1 डेकाग्राम इक्वल टू 10 ग्राम। 1 हेक्टोग्राम इक्वल टू 10 डेकाग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना, 10 हेक्टोग्राम। इसी तरह से क्या हो जाएगा आपका, 1 kg इज इक्वल टू 1 kg मीन्स होता है आपका किलोग्राम, इक्वल टू होता है आपका ग्राम। यूनिट्स फॉर कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स कोई भी लिक्विड फॉर्म में अगर चीज़ें होती हैं उसको हम कैपेसिटी में मेजर कर देते हैं। जैसे कि 1 सेंटीलीटर हो गया कितना, 10 मिलीलीटर्स। 1 डेसीलीटर कितना हो गया, 10 सेंटीलीटर्स। 1 लीटर इज इक्वल टू 10 डेसीलीटर्स। 1 डेकालीटर्स इज इक्वल टू 10 लीटर्स। 1 हेक्टोलीटर इक्वल टू 10 डेकालीटर्स। एंड 1 किलोलीटर इक्वल टू 10 हेक्टोलीटर्स। ओके, 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम्स होते हैं, 100। और 1 टन में कितना होता है, 1000 किलोग्राम्स। ये कुछ यूनिट्स हैं, आपको इनको क्या करना है, लर्न करना है आपको, ठीक है। ये सभी यूनिट आपको याद करनी है और अच्छे से याद करनी है, क्योंकि इनका आगे एक्सरसाइज में यूज़ होना है, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन 1 इज फिल इन दी ब्लैंक्स। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज, आपको ये भी पता होना चाहिए कि लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, मास की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है। ओके, तो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर्स। ये भी आपको याद करनी है, ठीक है। देखिए, 4 किलोमीटर इज इक्वल टू मीटर, यहाँ पे स्पेस दिया हुआ था आपको। तो 4 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000।